गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युमन की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से स्कूल कई दिनों तक बंद रहा क्योंकि जो अभिभावक थे वो लगातार मांग कर रहे थे जब तक जांच ना हो जाए स्कूल ना खोला जाए। हालांकि कल 10 दिन बाद करीब स्कूल को खोला गया था, लेकिन कुछ ही बच्चे थे जो स्कूल में आए थे और जो बच्चे आए भी थे उनको वापस उनके जो अभिभावक थे वापस ले गए थे। हालांकि जो प्रशासन है गुरुग्राम का वो यहाँ पर मौजूद था, DC खुद यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम पेरेंट्स के साथ मीटिंग भी की थी, लेकिन तमाम जो अभिभावक हैं वो लगातार डरे हुए थे कि उनको सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंतित थे कि सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी। हालांकि लगातार उनको अभिभावकों को वो आश्वासन देते रहे कि सुरक्षा कर रही जाएगी 3 से 4 दिन में, लेकिन जो प्रद्युमन के पिता हैं उन्होंने DC को एक पत्र लिखा था जिसमें ये मांग की थी कि जब तक CBI जाँच शुरू नहीं हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक स्कूल को ना खोला जाए। और उनकी इस बात को मानते हुए उन्होंने जो स्कूल को DC को दोबारा से 25 तारीख तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। हालांकि CBI की जांच की अगर बात करें तो CBI जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है और तमाम जो कार्रवाई करनी थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने अभी तक हैंडओवर भी नहीं दिया है CBI को ताकि वो जांच शुरू कर सके, और यही कारण है कि DC ने इसको स्कूल खोलने की बात कही थी। हालांकि तमाम जो अभिभावक आए बच्चे उनके साथ नहीं आ पाए थे क्योंकि करीब 1200 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कुल 200 के लगभग बच्चे कल यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके जो अभिभावक थे वो उनको यहाँ पर रोकने को तैयार नहीं थे, वापस उनको लेके गए हैं। DC लगातार आश्वासन देते रहे कि स्कूल की सुरक्षा पुख्ता कर ली जाएगी, जो इंस्टॉलेशन करनी है कैमरों की वो कर ली जाएगी, लेकिन जो अभिभावक थे वो लगातार डरे हुए थे। कुछ अभिभावक ऐसे भी थे जो नहीं चाह रहे हैं कि उनका बच्चा यहाँ पढ़े अब, और वो यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, और कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि स्कूल में सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि उनका बच्चा यहाँ पढ़ सके। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो रयान इंटरनेशनल स्कूल है वो दोबारा से 25 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है, और ये जो मांग उन्होंने की थी अभिभावकों ने कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक स्कूल बंद रखा जाए, उस मांग को मांगते हुए DC ने ये फैसला लिया है कि आने वाले 25 तारीख तक जो रयान इंटरनेशनल स्कूल है वो बंद रहेगा। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जिंदर चौहान, गुरुग्राम टोटल TV।